हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, मेरा ज्ञान में। और मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज आप कैसे अपने ब्लॉग बनाकर कैसे एक ब्लॉग बना सकते हैं, कैसे उसको अपना मोनिटाइज कर सकते हैं, कैसे उससे फास्ट अर्निंग कर सकते हैं, कैसे अपना ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा फेमस कर सकते हैं, कैसे ज़्यादा उस पर व्यूज ले सकते हैं। तो मैं आपको बताने से पहले बोलना चाहूँगा कि सर मेरा ब्लॉग चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर, मेरी वीडियो पसंद आएगी तो उसको लाइक करना, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, मेरा चैनल न्यू है और प्लीज़ सपोर्ट मी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो पूरी हमारा हिंदुस्तान वैसे भी अभी इतना कोई ज़्यादा रिच हुआ नहीं है, तो अभी बहुत से लोग हमारे देश में बहुत ज़्यादा अभी फाइनेंस प्रॉब्लम बहुत है लोगों के पास, तो बहुत से लोगों के पास कंप्यूटर नहीं हो पा होते हैं, तो वो बेचारे सोचते हैं कि हम कैसे एडिट करेंगे, कैसे हम वीडियो बनाएंगे, कैसे हम अपलोड करेंगे, हमारे पास जब लैपटॉप या कंप्यूटर है ही नहीं। तो मैं आपको बताऊँगा बिना लैपटॉप बिना कंप्यूटर कैसे आप ब्लॉग बना सकते हैं और उसे अपना मोनिटाइज कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। थोड़ा सा सबर रखिएगा, बस मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, वीडियो थोड़ा लंबा चलेगा तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। सो प्लीज लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम ऑन करते हैं। गूगल क्रोम ऑन करने के बाद सीधा हम इस पर डालेंगे इसको। सबसे पहले आप इसको कर लेंगे डेस्कटॉप साइट क्लिक करेंगे, यहाँ डालेंगे डेस्कटॉप। अब ये आपका डेस्कटॉप साइट हो गया, बिल्कुल डेस्कटॉप की तरह ही चलेगा, ये तो सब जानते ही हैं। यहाँ पे हम सर्च करेंगे ब्लॉगर डालेंगे आ जाएगा, ब्लॉगर डालेंगे ब्लॉगर खुल जाएगा सीधा। ये जो आप सीधा बड़ा करके देखेंगे, अब ये आ गया ब्लॉगर टोटल क्रिएटर यूनिक ब्लॉगर ब्यूटीफुल ब्लॉगर चाहिए एकदम फेस। यहाँ पे फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो आ जाएगा पब्लिश और पैशन वर्ड ब्लॉग। अब इसको क्रिएट ब्लॉग करेंगे, कोई भी आप ईमेल ले लेना, जो भी आपका ईमेल आईडी है साफ सुथरी सी, जो कभी पहले यूज ना हुई हो, जो कभी आईडी बैन ना हुई हो जिससे पहले, ठीक है, जो आपने चलाया ना हो, तो आप कोई भी ले लीजिए। जैसे मैंने ले लिया ये फर्स्ट वाला ले लिया मैंने। आप कोई भी अपना ईमेल ले सकते हैं कैसा भी जैसा मर्जी। यहाँ पे ब्लॉगर का नाम डालेंगे जो आप डिस्प्ले पर ये ब्लॉगर पे सर दिखाना चाहते हैं, कोई भी अपना नाम डाल लेंगे। जैसे मैंने डाला मेरा ज्ञान, ओके, उसको क्रिएट ब्लॉग कर देंगे, देखेंगे अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, ये तो मेरा ही ब्लॉग खुल गया है। चलो छोड़िए, मेरा ब्लॉग खुल चुका है, मैं ऑलरेडी मैंने साइड से अपना ब्लॉग बना रखा है और मैंने ऑलरेडी इसमें बहुत सारे पोस्ट डाले हूँ, तो देखिए देख सकते हैं 245 मैंने इसमें पोस्ट जो है पब्लिश कर सकते हैं। तो मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ, मैं आपको दूसरी आईडी से अपना क्या नाम है बना के दिखाता हूँ। मैं देखिए दूसरी आईडी से कर लिया मैंने, अब शायद जिस आईडी पर मे बी कोई मेरा ब्लॉग बनाना हो ऑलरेडी या नहीं बना हो, तो देखते हैं। मेरा ज्ञान बहुत ब्लॉगर, हाँ जी आ गया मेरा ज्ञान का नाम आ गया है, न्यू ब्लॉग आ चुका है। अब इसको हम ये अब देखते हैं क्रिएट न्यू ब्लॉग, इसको ब्लॉग पे क्लिक करेंगे, टाइटल डाल, चलो मैं अपना नाम डाल कर ये डाल के देख लेता हूँ, अज्जू भाई 02। ठीक है, ये अवेलेबल है। अब यहाँ पे थीम चूज कर लेंगे, कोई भी अवेलेबल हो चुका है, कोई भी एक थीम ले लेंगे। चलो मैंने ये वाली ले ली, मैंने पहले ही ले ली कंटेंट, क्रिएट अ ब्लॉग कर देंगे। अब आपका ब्लॉग जो है क्रिएट हो जाएगा, आपका ब्लॉग बन चुका है। ठीक है, अब इसको फाइंड अ डोमेन नेम ऑफ द फ्रेंड लिस्ट एंड सर्च, इसको एक बार देख लेंगे क्या दिखाता है। डोमेन्स दिखा रहा है कि आप डोमेन्स जो है खरीद सकते हैं, पर हमें खरीदना नहीं है, तब हम अभी भी हमारे पास पैसे नहीं है, तो ठीक है, तो हम अभी खरीद नहीं सकते, अभी ऐसे ही इसको रहने देंगे। अभी हमारा ब्लॉग का नाम जो यहाँ शो होने लग जाएगा नॉलेज के नाम से। ठीक है, अभी एक बार इसको देख लेंगे हमारा ब्लॉग कैसा शो होता है। ठीक है, अभी हमारा ब्लॉग बन चुका है नॉलेज के नाम पे, उसका एड्रेस जो है azubhai02@blogspot.com। बैठ जाएंगे, नाम ही कभी भी चेंज कर लेना आप, जब आप खरीद भी सकते हैं अपना यूजिंग ब्लॉगर्स मेरा ज्ञान, आप इसके डोमेन को खरीद भी सकते हैं 200-250 रुपए में आपको, कम से कम 400 रुपए में आपको godaddy.com पे, वहां से होस्टिंग तो खैर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्या नाम है वहां से डोमेन जो है मिल जाएंगे अच्छे से अच्छे जो आप खरीदना चाहते हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी इसमें सेटिंग्स है वो बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप सेटिंग्स पे जाएंगे, पोस्ट शेयरिंग कमेंट्स, इसमें तो आप कर ही लेंगे जो भी है। ठीक है,
एनीवन कैन सी हाउ मेनी पोस्ट आर शो, आपने कितने पोस्ट में शो कराना चाहते हैं, पोस्ट टेम्पलेट्स, नहीं अभी नहीं करना शोइंग। तो अभी इसमें आपको कुछ नहीं छेड़ना है, सीधा सीधा आपको इसमें जाना है सर्च प्रेफरेंस में। सर्च प्रेफरेंस बहुत जरूरी है कि आपका ब्लॉग, अगर जो आपका ब्लॉग नेट पे है वो सर्च कैसे करेगा, गूगल कैसे आपके ब्लॉग को लोगों के सामने लाएगा कोई अगर सर्च करता है। नॉलेज सर्च करें तो नॉलेज डालने पे आपका ही ब्लॉग आना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा। ये अभी इसमें मेरी नया ब्लॉग है तो इसमें मैं अभी कुछ कर ही पाऊंगा। तो इसमें एडिट करना है, कस्टम पेज नॉट फाउंड, मेटा टैग्स जो है कुछ भी डाल सकते हैं, इनेबल। सबसे पहले ये डिस्क्रिप्शन में जो है सर्च डिस्क्रिप्शन आपको यस करना है, और जो भी आप सर्च करवाना चाहते हैं आपके जो टैग्स हैं वो यहाँ पे मेटा टैग्स आपको डालने हैं, कोई भी अपने नॉलेज के, मतलब 150 करेक्टर मैक्स एग्जांपल है, ठीक है। ये देख रहे हो आप ब्लॉग अबाउट सोशल नेटवर्किंग वेब डिजाइन, ये जो है आपको इसमें अपने जो आप अपने ब्लॉग में नॉलेज के बारे में जो भी डाल सकते हैं वो इसमें टैग्स डालिए और पूरे वर्ड लिखिए, ताकि गूगल आपको ढूंढने में मदद, आपके ब्लॉग को ढूंढने में मदद करे। तो अब मैं एक बार इसमें देख लेता हूँ जो मेरा पहला ब्लॉग था उसमें क्या था। इसमें मैं अपनी सेटिंग्स में जाता हूँ, सर्च प्रेफरेंस में। ये देखिए मैंने इसमें सारी सेटिंग्स कर रखी हैं। ये देखिए डिस्क्रिप्शन में, पहले आप डिस्क्रिप्शन पे आइए, इसमें दिखाएगा ऑल अबाउट, मेरा जो ब्लॉग पहले बन चुका है मेरा एक ज्ञान, और एरर्स एंड रिडायरेक्टिंग इसमें कुछ नहीं है, कस्टम पेज खाली छोड़ना है, कस्टम रिडायरेक्ट खाली छोड़ना है, गूगल सर्च कंसोल सबसे मेन चीज होता है। ये मैंने सेटिंग्स पूरी कर रखी है, ये मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। अभी इसमें कस्टम रोबोट बड़े वो होते हैं, ये जरूर करना वरना आपका ब्लॉग सही से वर्क नहीं करेगा। रोबोट टेक्स्ट TXT जो होते हैं ये हमेशा काम करते हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा कैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको कैंसिल कर देंगे, यहाँ से सीधा हेडर टेक्स्ट क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, इसकी सेटिंग्स कैसे करते हैं, ठीक है। इसको देख लेना आप एक बारी, जो जो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ये आप देख लेना एक बारी, वीडियो को पॉज करके कैंसिल कर देंगे। कस्टम ADS TXT सबसे मेन पॉइंट ये होती है, ये ID हमें डालनी ही पड़ती है वरना आपका ब्लॉग जो है रन नहीं करेगा जल्दी से। बहुत से लोग आपको बताएंगे नीचे वीडियो में ये चीजें होती क्या है, ये चीजें आपको सेटिंग जल्दी से मिलेंगी नहीं करना, तो इसको मैं बता रहा हूँ कि ये चीज करना, मेरी ID मत डाल देना, कहीं आप मेरी ID डालो, अपनी ID डालना, अपने ब्लॉग की ID जो भी होती है वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कैसे जनरेट करते हैं। आप ब्लॉग बना लिया आपने पोस्ट के लिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे न्यू पोस्ट पे जाएंगे और यहाँ पोस्ट का टाइटल डालेंगे, जो भी आपको पोस्ट डालना है, जो भी XYZ यहाँ पे पोस्ट आप डालना है, जो भी आप डालिए यहाँ पे, इसका पोस्ट का टाइटल जो है वो हेडलाइन जो छोटा होना चाहिए, जैसे हाउ टू क्रिएट अ ब्लॉग, इसमें डाल दिया। बस यहाँ पे थोड़ी उसके बारे में डिटेल्स डाल दीजिए, एक दो फोटो डाल दीजिए, फोटो ज्यादा हैवी ना हो, बड़ी ना हो, ताकि बिकॉज के जो आपका ब्लॉग है फिर लोडिंग उसमें टाइम ज्यादा फोटोज ना हो ब्लॉग के अंदर, फिर वो लोड लेता है जल्दी से खुल नहीं पाता। थोड़े बहुत उसमें टेक्स्ट डालिए, हेडलाइंस अच्छी डालिए, फोटोज डालिए, ठीक है, वो मैं आपको, ठीक है, वर्ड की जो है यहाँ से चेंज कर सकते हैं, वो चीज सारी HTML वगैरह यूज करना मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ से अंडो होता है, फॉन्ट यहाँ से सेलेक्ट, ये सब चीजें तो आपको पता ही होंगी, और यहाँ से कैसा आप चीजें हेडलाइन सबटाइट सब एडिंग कैसे रखनी है, बोल्ड और वर्ड यहाँ से होंगे, इमेज जो है यहाँ से अपलोड होगी, कोई भी इमेज आप ले सकते हैं अपने फोन से, ब्लॉग से, गूगल एल्बम से, फ्रॉम योर फोन, कहीं से भी आप ले सकते हैं। अब थोड़ी सेटिंग में आपको बताता हूँ इसकी कैसे करते हैं, जो क्या नाम है आपका, सेटिंग्स में जाएंगे एक बारी, बेसिक्स पे जाएंगे, हाँ सबसे मेन पॉइंट है बेसिक टाइटल, टाइटल कैसा है मेरा एक ज्ञान, नीचे उसके टाइटल के नीचे आप जो दिखाना चाहते हैं, मैंने दिखा रखा है लाइफ एंड MP जो चाहती, मतलब एडिट में डिस्क्रिप्शन मेरी ये कुछ अलग है, प्राइवेसी ये विजिबल टू सर्च इंजन में एडिट करके उसको यस कर देना है दोनों, ठीक है, ताकि गूगल सर्च करेगा आपको ढूंढने में,
ब्लॉग एड्रेस मेरा ये है stp9blogauthor। आप ऑथर कोई भी दूसरा ऑथर चुन सकते हैं, जैसे कोई भी ब्लॉग ऑथर बना सकते हैं, ताकि अगर आपकी अपनी एक आईडी भूल जाओ तो दूसरी आईडी से उसको आप हैंडल कर सकें। ब्लॉग रीडर्स करना है आपको पब्लिक, ताकि जो भी है पब्लिक है आपके, लोग जो है उसको सारे पूरी दुनिया आपके ब्लॉग को देख पाए। ठीक है, अब मैं आपको स्टेटस दिखा देता हूँ कैसे मेरा ब्लॉग जो है 50,000 जो है पब्लिक जो जनरेट करता है, कर चुका है मंथ में। मेरे जो मैंने ब्लॉग चलाना छोड़ दिया, इसलिए मेरा ट्रैफिक जो है कम हो चुका है। पहले मैं इस ब्लॉग को जब हैंडल करता था, मैंने इस पर पोस्ट डालना भूल गया, तो थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है इसको, इसमें कर नहीं सकता मैं। तो देख सकते हैं मेरी व्यूज ऑल टाइम हिस्ट्री है, ये मेरी लास्ट मंथ की जो 1629 एंट्री जो कम है। ठीक है, तो आप मेरा ब्लॉग देख सकते हैं जाके। बस दोस्तों, मैं आपसे अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे अपना जो ब्लॉग है उसको आगे मोनेटाइज और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, कैसे और अपने पोस्ट जो अपना ब्लॉग जो है जल्दी से गूगल सर्च कर ले, ऐसे कैसे उसको जल्दी से उसको रीड कर ले कोई बंदा आपके ब्लॉग के बारे में सर्च करे, तो टॉप पे ही आपका ब्लॉग खुलना चाहिए। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी अपने पोस्ट में कम से कम 40 से 50 पोस्ट उसमें अपलोड करें गूगल से ऐड लेने के लिए, तब तक मैं आपका वेट करूंगा। उसके बाद कमेंट्स बॉक्स में बताएं जो भी आपको पूछना है, गूगल से ऐड कैसे लेंगे, गूगल अपने ब्लॉग पर ट्रैफिक कैसे जनरेट करेंगे, फॉलोवर्स कैसे बढ़ाएंगे, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अगली नेक्स्ट वीडियो में। कृपया करके अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कमेंट करके कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मेरा जितना मेरे को जितनी नॉलेज है, जितनी मैंने अभी जो उस ब्लॉग में किया है, तो उसके बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। मेरी यदि ज्ञान इतना पूरा है नहीं, तो जितना मेरे को ज्ञान है मैं आपके लोगों के सामने शेयर करूंगा, मैं आपको बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और शुक्रिया।